बहुत बड़ी खबर आ रही है। सैनिकों, पूर्व सैनिकों और सैनिक परिवारों के लिए अच्छी खबर आ रही है। उत्तराखंड के सैनिक विभाग के मंत्री श्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के मुद्दों को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक अर्जेंट मुलाकात की है। आइए जानते हैं इस मुलाकात के बारे में कुछ खास बातें। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उत्तराखंड के चमोली जिले में सैनिक स्कूल के निर्माण का अनुरोध किया गया। सुबह के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली में सैनिक स्कूल के निर्माण का अनुरोध किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत कराते हुए कहा कि राज्य का जनपद चमोली एक सीमांत होने के साथ साथ सैनिक बाहुल्य जनपद है। उन्होंने कहा, सैनिक के रूप में राष्ट्र सेवा का जज्बा यहाँ के लोगों में कूट कूट कर भरा है। यही कारण है कि यहाँ सैनिक एवं पूर्व सैनिक अपने बच्चों को सैनिक परिवेश के स्कूलों में प्रवेश के लिए हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। उन्होंने कहा, सीमांत जनपद चमोली एवं निकटतम क्षेत्र में कोई भी सैनिक स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल संचालित नहीं है। यहाँ के पूर्व सैनिकों द्वारा कई वर्षों से मांग की जाती आ रही है कि जनपद चमोली में भी जनपद पिथौरागढ़ स्थित जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल की भांति ही एक आर्मी पब्लिक स्कूल संचालित बटा स्वीकृत हो सके, जो देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से संचालित हो, ताकि इस पहाड़ी क्षेत्र से सैनिकों बटा पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों का अन्य क्षेत्रों में उत्तराखंड की मुख्य समस्याओं में एक पलायन करने लिए मजबूर न हो सके। मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विश्वास जताते हुए कहा, जनपद चमोली में आर्मी पब्लिक विद्यालय स्वीकृत करने पर उत्तराखंड सैनिक कल्याण विभाग भूमि आवंटन एवं अवस्थापना विकास के लिए अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के पूर्व सैनिकों की बहुप्रतीक्षित मांग, जनपद चमोली में भी जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल की भांति ही एक आर्मी पब्लिक स्कूल स्वीकृत स्थापित करने का अनुरोध किया गया, जिस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए मामले में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हमेशा ही पूर्व सैनिकों के साथ खड़े रहते हैं और पूर्व सैनिकों के मुद्दे उठाते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी पहल की है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।